हेलो गाइस, चैप्टर 5 IC01 स्टडी विद एडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5 द इंश्योरेंस कस्टमर्स। जैसा कि आप सभी जानते हो, चार चैप्टर्स, चैप्टर 1, 2, 3, 4, इन सब के वीडियोस इस चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं, और चैप्टर 1, 2, 3 के एमसीक्यूज भी डले हुए हैं। और चैप्टर 4 के एमसीक्यूज ना डालकर मैं चैप्टर 5 के वीडियोस डालने वाला हूं आज, और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के एमसीक्यू वीडियोस मैं इसके बाद डालूंगा। ठीक है, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कि IC01 मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूँ, जिससे कि मार्च के एग्जाम में जितने भी प्रोस्पेक्टिव लाइसेंसिएट मेंबर्स हैं हमारे, वो बेनिफिट ले सकें इस वीडियो सीरीज का। तो जो चैनल पे नए हैं, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, जिससे कि अगर आपको मेरा मटेरियल अच्छा लग रहा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो इसका बेनिफिट और लोगों तक पहुंचे और उनकी हेल्प हो सके। चलिए, अब हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 5 द इंश्योरेंस कस्टमर। ठीक है, आते हैं। तो यह है चैप्टर 5, रिस्क मैनेजमेंट, और बाकी ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। चैप्टर 5 की बात करेंगे हम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंश्योर्ड क्या होता है, कस्टमर्स कितने टाइप के होते हैं, और हर कस्टमर एक दूसरे से कैसे वैरी करता है, क्या कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम कस्टमर्स को, और जो हमारे कस्टमर के माइंडसेट्स हैं। ठीक है, जैसे मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या माइंडसेट है और मैं किस चीज से सेटिस्फाई हो सकता हूँ, मेरा सेटिस्फेक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, और एथिकल बिहेवियर क्या होता है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसमें एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब अगर एथिक्स नहीं होंगे तो हमारे जो बिजनेसेस हैं वो लॉन्ग रन में मात खा सकते हैं, है ना। एथिक्स तो किसी भी चीज में, हम नॉट ओनली इन बिजनेस बट इन रियल लाइफ हम कुछ भी काम करते हैं, तो उसमें अगर हम एथिक्स नहीं फॉलो करेंगे तो वो शॉर्ट लिव्ड होंगी। बाकी जो अचीवमेंट्स होंगी वो हमारी शॉर्ट लिव्ड होंगी। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एथिकली चलना पड़ेगा। ठीक है, आइए आज बात करेंगे कैटेगरीज ऑफ इंश्योर्ड की, कितने टाइप के इंश्योर्ड होते हैं। तो बेसिकली थ्री थ्री टाइप्स के इंश्योर्ड होते हैं, एक हमारे इंडिविजुअल कैटेगरी, एक हमारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी, और एक हमारी कॉर्पोरेट की कैटेगरी। तो इंडिविजुअल कैटेगरी में जो इंश्योर्ड होता है वो क्या होता है, वो क्या कौन कौन सी पॉलिसीज लेता है। पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी ले सकता है, मोटर की ले सकता है, ठीक है, हेल्थ की ले सकता है जैसे हम लोग करवाते हैं, बिल्डिंग एंड और कंटेंट्स की ले सकता है। ठीक है, तो ये अगर हमारा इंडिविजुअल है तो उसकी पॉलिसीज लिमिटेड होंगी। SME है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, तो वो कैसे लेगा, वो किस में लेगा, जैसे स्मॉल शॉप्स हो गई, ऑफिस हो गए, ठीक है, रेस्टोरेंट हो गए, कैफे, होटल्स, है ना, तो ये सारे हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में आएंगे। और तीसरा हमारा है कॉर्पोरेट, ठीक है, जो हमारे इसके ऊपर आते हैं, SME के ऊपर आते हैं। अब जैसे कि इसको डिवाइड कर सकते हैं, कॉर्पोरेट में क्या हो गया, जैसे कि हमारा स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर है, ठीक है, और इसमें कॉर्पोरेट में स्मॉल कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, MNC है ना। तो इस हिसाब से हमारे कॉर्पोरेट इंश्योर्ड होते हैं कि MNC है, तो MNC क्या करता है, जैसे TCS है, MNC है, तो वो क्या करेगी, वो अपने पूरा कॉर्पोरेट हेल्थ टाई अप ले लेगी किसी कंपनी के साथ, तो उसका वो कॉर्पोरेट है ना, वो कॉर्पोरेट पॉलिसी ले रहा है ना, पूरे उसके सारे अपने इंश्योर्ड हो गए, उसका हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा सारा एक कॉर्पोरेट लेवल पे वो इंश्योर्ड है, मतलब पूरे के पूरे लोग वहां के जितने भी एम्प्लॉयज है वो एक किसी पॉलिसी से कवर कर दिए गए। ठीक है, किसी बड़े ऑफिस के, कॉर्पोरेट के ना, सारे लोग उसी पॉलिसी के अंडर आते हैं, जब तब ये कैटेगरी लगती है। ये देखते हैं, है ना, तो इंडिविजुअल में क्या आते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट, मोटर, हेल्थ, बिल्डिंग एंड कंटेंट। इंडिया में ऑल्दो बिल्डिंग एंड कंटेंट इतना पॉपुलर नहीं है ना, कि हम अपनी बिल्डिंग है तो उसका कौन करा रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे कोई नहीं करा रहा, लेकिन फिर भी उतना भी है थोड़ा बहुत, है ना, जैसे शॉप्स हैं छोटे मोटे वो तो उसमें ही आ जाती है, लेकिन इंडिविजुअली आप अगर बिल्डिंग है तो उसमें जो कंटेंट है उसको कहीं मुझे नहीं लगता, है ना। लेकिन ऑल्दो पेनिट्रेशन की अभी जगह बहुत है इंडिया में, इंडिया में जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो क्वाइट लो है। अगर ये फुली वेस्टर्न कंट्रीज पे अगर तर्ज पे हो तो इंश्योरेंस सेक्टर इतना बूम करेगा जितना तो सोचा भी नहीं जा सकता, है ना, मतलब 40-50 टाइम्स हो जाएगा जो मार्केट अभी है इंडिया में इंश्योरेंस का उसके मुकाबले। तो अभी बहुत स्कोप है हमारे इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को लेके।
अगली कैटेगरी हमारी रिटेल में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में क्या क्या आएगा? स्मॉल शॉप्स आएंगी, रेस्टोरेंट कैफे आएंगे, ऑफिसेज आएंगे, होटल्स आएंगे, है ना, इसकी बात हमने करी थी। और तीसरा हमारा कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट की बात मैंने पहले ही कर ली। सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो, कंपनी के साइज के हिसाब से उसे डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस का कस्टमर क्या होता है, एक्चुअली कस्टमर का से आप क्या समझते हैं, है ना। इंश्योरेंस का या कोई भी कस्टमर है वो क्या होता है? अ कस्टमर इज अ पर्सन हु बायज गुड्स और सर्विसेज दैट अ बिजनेस हैज टू ऑफर। वही होता है, एक कोई बिजनेस है वो कुछ सर्विसेज या गुड्स दे रहा है, तो उसको जो खरीद देगा उस उन गुड्स को या उन सर्विसेज को जो खरीद रहा है वो क्या हो गया? उसका कस्टमर हो गया, ठीक है। ऐसा लोग समझते हैं कि कस्टमर सिर्फ उसी पार्ट का बिजनेस, मतलब उस बिजनेस का पार्ट नहीं होना चाहिए ना। कस्टमर्स आर यूजली पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस, बट ऐसा नहीं है, होते भी हैं, कई बार इंटरनल कस्टमर्स भी होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जनरली कस्टमर्स ये माना जाता है कि हम उस बिजनेस के पार्ट नहीं है। हम देखिए कोई भी फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री जो भी सामान बनाती है वो किसके लिए बनाती है? फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनके लिए, सिर्फ उनके लिए थोड़े ना बनाती है। इसलिए ये लाइन है कि कस्टमर्स आर यूजली पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस, है ना। जो उस बिजनेस का पार्ट नहीं है वही कस्टमर है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल अ बिजनेस मस्ट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट मीट द नीड्स ऑफ कस्टमर। अगर किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल होना है, ठीक है, तो उसकी प्राइम रिक्वायरमेंट ये होती है कि अपने कस्टमर्स की जो भी नीड्स हैं वो उसको पूरा करे, ठीक है। और जो अगर उस प्रोडक्ट, जो वो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है उसको लेके अगर कस्टमर के मन में कुछ भी संशय है, ठीक है, तो उन संशयों का, है ना, उनके इंटरेस्ट का, उनकी कंसर्न का, संशय है ना, का ख्याल रख के काम करे। तो इस कस्टमर क्या हुआ? अ कस्टमर इज अ पर्सन हु बायस गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ बिजनेस हैज टू ऑफर। डायरेक्टली आता है क्वेश्चन, है ना। आगे देखते हैं। अब कस्टमर और कस्टमर के माइंडसेट की बात करते हैं, ठीक है। कस्टमर क्या होता है, ठीक है, द पर्सन हु बायस द पॉलिसी, ठीक है, कस्टमर वही है ना। अब द पर्सन रिसीविंग मेच्योरिटी अमाउंट्स, वो भी हमारा कस्टमर है, देखिए। और द पर्सन हु रिसीव्स डेथ क्लेम्स, एक तरह से वो भी हमारा कस्टमर है। अब ये तीन टाइप के कस्टमर की बात हो गई। अब इन तीन टाइप के जो कस्टमर्स हैं इन सबका माइंडसेट के बारे में बात करते हैं। माइंडसेट क्या मतलब, जो पर्सन बाय कर रहा है पॉलिसी उसका, उसकी सोच क्या है, ठीक है। और जो पर्सन मेच्योरिटी अमाउंट, मान ले पॉलिसी खरीदी और उसकी जो मेच्योरिटी हो गई, ठीक है, आप जिंदा है और क्या नाम है, जब मेच्योर हो गया LIC पॉलिसी, मेच्योर हो गई, तो मेच्योरिटी अमाउंट हो सकता है कि चाइल्ड पॉलिसी है, करने वाले माँ बाप थे लेकिन चाइल्ड पॉलिसी मेच्योर होगी तो बच्चे को मिलेगी, तो जो पर्सन रिसीव कर रहा है अमाउंट मेच्योरिटी का उसका क्या माइंडसेट है, ठीक है। और जो मान लो किसी ने अपना टर्म प्लान लिया तो वो तो है नहीं देखने के लिए डेथ के बाद, तो द पर्सन हु रिसीव द डेथ क्लेम्स इनका जो माइंडसेट है वो कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए जब हम पॉलिसी खरीद रहे होते हैं तो हमारा माइंडसेट कुछ और होता है, ठीक है। और जब हम पॉलिसी खरीद लेते हैं उसके बाद हमारा जो माइंडसेट कुछ और होता है, और जब हमें क्लेम लेना होता है तब हमारा माइंडसेट कुछ और होता है। तो कैसे इस एक कस्टमर का जो माइंडसेट है वो इस पूरे प्रक्रिया में, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से लेके क्लेम डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद क्लेम मिलने तक जो कस्टमर का माइंडसेट है वो कैसे चेंज होता है इसके बारे में जानते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो पर्सन पॉलिसी खरीद रहा है उसका क्या माइंडसेट होता है। उनका माइंडसेट जब वो खरीद रहे होते हैं तो ऐसे होता है कि हाँ यार, हम अपना ये जो पैसा है जो इंश्योरेंस में लगाना है हम उसको सेट असाइड क्यों करें, है ना, जबकि हम उस पैसे को किसी और चीज में जो कि हमें इमीडिएटली इंजॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती है उसमें खर्च कर सकते हैं, है ना। सपोज मैं इंश्योरेंस ना लेके मैं कुछ अपना हॉलीडे पे चला जाऊं, वो ऐसे सोच सकते हैं। तो जब जब वो ऐसा सोच रहे हैं, मतलब कि जब वो इंश्योरेंस उन्हें खरीदने के लिए कोई भी एजेंट आता है उनके पास, ठीक है, तो वो तब वो क्या सोचते हैं? तब वो ये सोचते हैं कि यार ये पैसा मैं इंश्योरेंस में क्यों लगाऊं, और इतने पैसे से तो मैं कुछ और चीज अच्छे से कर लूंगा और मैं मुझे नहीं लगाना, है ना। 90% केसेस में इंश्योरेंस एक बार में बिकता नहीं है, ठीक है, अगर वो मैंडेटरी ना हो, ठीक है, ये फैक्ट है ना। एक बार में अगर आपके कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेगा तो आप भी रिलक्टेंट होगे कि नहीं, इंश्योरेंस नहीं लेना ठीक नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उनको इमीडिएट नहीं मिल रहा ना उस चीज का। इंश्योरेंस कब मिलेगा? जब कोई वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उस टर्म, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पेरिल मेंशन्ड है वो पेरिल हो, ठीक है, या फिर वो कंडीशन मीट होगी तब
और वो कंडीशन ज्यादातर ऐसी होती है कि जिसके बारे में ना तो कोई इंसान बात करना चाहता है और ना उस बारे में सोचना चाहता है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो कोई आपको बोले आके कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको 50,000 रुपये तुरंत मिलेंगे, तो आदमी सोचना नहीं चाहता कि मेरा एक्सीडेंट हो। इसलिए जो इंश्योरेंस है वो उसका बेचते समय जो माइंडसेट, खरीदने बेचने वाले का माइंडसेट और खरीदने वाले का माइंडसेट में इतना डिफरेंस होता है। वही बात होती है जब मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है। मान लीजिए आपने एक LIC पॉलिसी खरीदी जो कि 15 साल की मेच्योरिटी थी। अब जो वो पॉलिसी हमारी, मान लीजिए बच्चे के नाम पे थी, तो बच्चा बच्चा जब मेच्योर होगा तो वो क्या सोचेगा, है ना, कि मतलब कि चलो मेरे को पॉलिसी मिल गई, है ना, मेच्योरिटी क्लेम क्लेम मिला, अच्छा है। और अगर वो पॉलिसी आप ही के नाम पे थी, आप क्या सोचोगे, अरे यार अब इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया और अगर ये पैसा मैं किसी और जगह में लगाता तो शायद कुछ और काम हो सकता था। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती हैं, दे आर मोर ऑफ अ रिस्क एब्जॉर्बिंग नेचर, है ना, मतलब रिस्क को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। ज्यादातर जो इंश्योरेंस इसीलिए कराता है कि रिस्क रिस्क एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, आप रिटर्न के लिए इंश्योरेंस इंडिया में या किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में भी, नो वन इज टेकिंग इंश्योरेंस फॉर रिटर्न पर्पस, एवरीवन इज टेकिंग फॉर दैट रिस्क पर्पस कि रिस्क आ जाएगा तो क्या होगा ना। लेकिन जब उसे कोई बेचने जा रहा होता है, जब पॉलिसी बेचने की खरीदने की बात होती है, तब कोई उस रिस्क के बारे में सोचना नहीं चाहता। तो माइंडसेट क्या हुआ, जब मेच्योरिटी अमाउंट होता है तो कैसे माइंडसेट होते हैं, जिसने पॉलिसी ली है अगर वही वही जिंदा है और उसको मेच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है, तो उसको क्या मिल रहा है, मेच्योरिटी अमाउंट के नाम पे ज्यादा अमाउंट तो मिल नहीं रहा, तो ये सोच रहा है अरे यार पॉलिसी मेच्योर भी हो गई। क्यों? क्योंकि जो रिस्क फैक्टर था अब वो खत्म हो चुका है, रिस्क हुआ नहीं। ठीक है, मेच्योरिटी मिलेगी तो आपको रिटर्न तो ज्यादा मिलना नहीं था वैसे भी। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस वॉज मोर ऑफ अ रिस्क एब्जॉर्बिंग नेचर। ठीक है, अब मान लीजिए कि तीसरा तीसरा केस में बात करते हैं। ये दो केसेस हो गए हमारे। तीसरा केस क्या है कि जो डेथ क्लेम रिसीव कर रहा है। अब देखिए, डेथ क्लेम जो है, जब घर में अगर कोई सिंगल अर्नर है, हस्बैंड वाइफ एक बच्चा मान लीजिए, और हस्बैंड ने कोई पॉलिसी लिया टर्म इंश्योरेंस और पर्सन की डेथ हो जाती है, तो जो उसकी फैमिली है पीछे अकेले रह गई, तो क्या होगा, वो एकदम से घबराएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, है ना, और एकदम फिनिश्ड महसूस करेंगे कि अब क्यों, क्योंकि वो सिंगल अर्नर थे, वो चले गए तो क्या होगा। लेकिन जब इंश्योरेंस उनको डेथ क्लेम के पैसे देती है तो जो थोड़ी इनकी एंग्जाइटी होती है, ऑल्दो देखो यू ह्यूमन लॉस, इमोशनल लॉस, उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है, है ना, पैसे से। बट वो जो पैसा होता है, जो उन्हें इंश्योरेंस का पैसा मिलता है, ठीक है, व्हेन दे रिसीव द मनी, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एंग्जाइटी होती है, ठीक है, और जो एक जो उनका फ्यूचर है जो एक अंधेरे में जा रहा होता है, ठीक है, उससे उस चीज से वो अच्छा महसूस करते हैं उस पैसे से कि हाँ चलो, ग्रेटफुल महसूस करते हैं कि चलो यार हमें इंश्योरेंस, हमने हमारे हस्बैंड ने करा के गए थे तो उससे हमें हेल्प मिल रही है। तो देखिए, जब आप समझिए, जब हम ले रहे थे तब हम ये सोच रहे थे अरे यार नहीं लेना चाहिए, मैं तो इससे वैकेशन चला जाऊंगा। ठीक, जब हम खुद ही मेच्योरिटी अमाउंट ले रहे हैं तो हम सोच रहे हैं अरे यार इसको पैसे तो मैंने इन्वेस्ट किए होते, शेयर मार्केट में लगाए होते, एक्सवाइजेड कहीं और लगाए होते, तो शायद मेरे को बेटर रिटर्न मिल सकता था। ठीक है, इन दोनों चीजों में रिस्क के बारे में वो ना सुनना चाहते हैं ना बात करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस ने सबसे बड़ी हेल्प किसकी की, उसने हेल्प की डेथ क्लेम्स के केस में। तो इसने इंश्योरेंस का जो फंडा है वो यही है कि आपको अनफोर्सीन जो इवेंट है, वो रिस्क है, उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो रिस्क होगा तब आपकी जो एक्चुअल में इंश्योरेंस की हेल्प है वो आपको पता चलेगी। ठीक है, वो इंश्योरेंस नो वन इज डूइंग, कोई भी नहीं करता, ठीक है ना, मैं आप कोई भी नहीं करेगा कि मेरे को रिटर्न मिले, कोई नहीं करेगा, क्योंकि देर आर बेटर रिटर्न ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, अब अगले हम पढ़ेंगे हैप्पी कस्टमर और कस्टमर। देखिए, कस्टमर ये मैंने स्पेलिंग जानबूझ के गलत लिखी है। ठीक है, कस्टमर हमारे जो कस्टमर्स होते हैं ना, जब तक वो किसी भी प्रोडक्ट को खरीद नहीं रहे तब तक तो वो कस्टमर है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, और जैसे ही वो कोई प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो वो कस्टमर हो जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट लेने के बाद ऐसा कष्ट में मर रहे होते हैं। ठीक है, जोक्स अपार्ट, है ना, इसको आपको कोट नहीं करना है, दिस इज जस्ट फॉर फन पर्पस। ठीक है, कष्ट में मर रहे होते हैं कि हमने पॉलिसी ले ली और अब हमें उसको प्रॉपरली कैटर नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो कष्ट में मर रहे हैं।
तो अब हमें हाँ अब हम समझते हैं कि व्हाट इज अ हैप्पी कस्टमर। एक कस्टमर जो है वो कब हैप्पी होता है, मतलब हम मैं अगर कस्टमर हूं, मैंने कोई चीज खरीदी, बिजनेस मान लो मैं शॉप गया तो मैंने कुछ खरीदा, तो उस चीज को खरीदने के बाद मुझे हैप्पीनेस कब मिलेगी? ठीक है, देखो कोई भी कस्टमर है, ही विल फील हैप्पी व्हेन ही इज रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, आप कहीं जाते हो तो आपको मॉल में जाते हो, अब सबसे पहले आपको ग्रीट किया जाता है कि वेलकम सर, उसके बाद आपको अच्छे से ग्रीट किया जाता है ना, क्यों? बिकॉज यू आर फेल्ट कि आपको रिकॉग्नाइज किया गया, आपको रिस्पेक्ट दी गई। सो कस्टमर्स आर हैप्पी व्हेन दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड। ठीक है, एंड वेन देयर फीलिंग्स आर नॉट इग्नोर्ड। मान लो आपको कोई चीज, आपने शू खरीदने गए, एग्जाम्पल समझिए, ठीक है, आपको रेड कलर का शू पसंद आ गया कि रेड कलर का शू मुझे अच्छा लग रहा है। अब रेड कलर का जो साइज अवेलेबल था 7 नंबर का, वो खत्म है, आपको 7 नंबर चाहिए, 7 नंबर अवेलेबल नहीं है। तो अब दुकानदार आपके पास आ रहा है, वो ये बोल रहा है 7 में रेड अवेलेबल नहीं है, आप येलो ले लीजिए। ठीक है, येलो, अब वो बोलेगा येलो लो, तो मतलब आपको तो रेड पसंद है ना, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया गया। नहीं, आपको कस्टमर को आपको क्या बेचना है और कस्टमर को क्या खरीदना है, ठीक है, दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, उनकी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना है। सो फर्स्ट इज दे आर रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्टेड, सेकेंड इज देयर फीलिंग्स आर नॉट इग्नोर्ड, देयर व्यूज आर नॉट इग्नोर्ड। ठीक है, थर्ड इज दे डोंट फील लाइक बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ, ऐसा नहीं लगे कि कुछ खरीद के कि यार ठग गए, है ना, तो एडवांटेज तो नहीं ले गया उनका, ऐसा नहीं है। एंड फोर्थ इज दे आर केयर्ड एंड दे आर बीइंग हेल्प्ड, है ना, आप कुछ ले रहे हो, है ना, तो ये सारी चीजें हैं हमारे एक हैप्पी कस्टमर के लिए। व्हेन अ कस्टमर इज हैप्पी व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर देयर, ही इज रिकॉग्नाइज्ड, हिज फीलिंग्स आर नॉट इग्नोर्ड, दे डोंट फील लाइक बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ, दे केयर्ड एंड दे केयर्ड फॉर एंड हेल्प्ड, है ना। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ गुड एथिकल बिहेवियर। एक गुड एथिकल बिहेवियर क्या, मैंने उसके चैप्टर के शुरुआत में बताया था कि एक एथिक्स हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है, बिजनेस ही नहीं, एक हमारी निजी जिंदगी में भी एथिक्स होने चाहिए जिससे हमारी लाइफ गाइड हो। ऐसा नहीं हो कि हम कुछ भी कर रहे हैं उसमें कोई एथिक्स ही नहीं है। क्यों? देखो एथिकल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबसे पहले देखो, एथिकल का मतलब ये नहीं है कि हम राइट थिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे हैं या हम चोरी नहीं कर रहे हैं या सिर्फ हम ये सिर्फ झूठ बोलना या चोरी करना ही ना करना ही एथिकल बिहेवियर नहीं है, मगर ऑनेस्ट होना एथिकल बिहेवियर है। ठीक है, और आज के जो बिजनेस है ना, बिजनेस वर्ल्ड है, उसमें बहुत ज्यादा अटेंशन दी जा रही है इस चीज पे कि एथिक्स जो है बिजनेस में वो रहे, ठीक है, वरना आप न्यूज़पेपर में देखते होगे ना कि बहुत सारे कंपनीज के ऊपर अनएथिकल बिहेवियर और प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं उन पे आर्टिकल्स आते रहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बैंक्स हैं अपने फंड्स को मिसयूज कर रहे हैं मैनेजमेंट, ठीक है, बैंक के जो मैनेजमेंट है वो फंड्स को मिसयूज कर रहा है, फंड्स की सिफनिंग कर रहा है, ठीक है, एम्बेजलमेंट कर रहा है, ठीक है, पर्सनल बेनिफिट ले रहा है अपनी अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल करके, ठीक है, ऐसा बहुत देखा जाता है। मगर आज की डेट में जो सोसाइटी है ना, तो वो इस चीज का बहुत ध्यान देती है कि एथिकल बिहेवियर रहे। ठीक है, और हम देखते हैं कि एक एथिकल बिहेवियर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला होता है कि बिजनेस के टर्म्स में, इंश्योरेंस के बिजनेस के टर्म्स में एथिकल बिहेवियर क्या हुआ कि वो कस्टमर के बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में सोचे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और मान लो एक उसने पॉलिसी बेची 2 लाख रुपए की, ठीक है, और 2 लाख में उसे पता है कि इस पॉलिसी में जो प्रीमियम है वो ज्यादा देना पड़ रहा है और जो बेनिफिट है इसके कंपैरिजन में मिल रहे हैं वो कम मिल रहे हैं, ये पॉलिसी उसने निकाली, अब वो यही पॉलिसी बेचना चाह रहा है, जबकि एक दूसरी पॉलिसी जो 5 लाख की है, जिसमें 5 लाख की पॉलिसी में भी मोर और लेस सेम प्रीमियम के आसपास, मान लो इसमें 7 हजार देना पड़ रहा है तो ये 8.5 हजार देना पड़ रहा है, लेकिन इसमें बेनिफिट ज्यादा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो कस्टमर का इंटरेस्ट है ना वो सर्व होना चाहिए बेस्ट बेस्ट तरीके से, अपने जो बेनिफिट्स हैं वो बाद में हो, कंपनी के बेनिफिट्स बाद में हो, कस्टमर का बेनिफिट पहले हो। ठीक है, ये एथिकल बिहेवियर कहता है। ठीक है, अब बिजनेस ऐसे हो रहा है नहीं हो रहा है तो आप लोग बेटर जानते हो, है ना। दूसरा है हमारा कि जो डिस्क्लोजर्स हैं, मान लो कोई भी है, ठीक
कोई भी हम सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने से पहले हमें उसकी अच्छी अच्छी चीजें बताई जाती हैं कि सर इस एक्स वाई जेड प्रोडक्ट में ये खासियत है, और जैसे ही आप वो प्रोडक्ट खरीद ले लोगे और उसे अपने घर ले जाओगे, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जिसके बारे में आपको बताया ही नहीं गया होगा। ठीक है, ठीक है, आप अपनी कितनी रिसर्च करते हैं वो एक अलग मैटर है यहाँ पे, लेकिन आपकी रिसर्च से पहले जब आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, कोई भी आप कस्टमर हो, तो आपको आपका ये राइट है कि आपको एडिक्वेट डिस्क्लोजर मिले कि हाँ इसमें ये कमी है, प्रॉज है, ये अच्छाई है, ये कमी है, ये प्रॉज है, ये कौन सा है, सारी चीजें आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए, डिस्क्लोजर एडिक्वेट होना चाहिए। तीसरा, देखिए हमें आप हैं सभी लोग जाते हैं तो हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं, शेयर करते हैं। अब ऐसा नहीं हो कि भैया हमने आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी और वो उसका मिसयूज हो रहा है। अब आजकल आपके पास देखते होंगे ट्रू कॉलर जिनके पास भी है वो कितने ज्यादा कॉल्स रिसीव होते हैं, तो सब में लिख के आता है पहले कि फ्रॉड है, स्पैम है, एक्स वाई जेड है ना। तो वो क्या हो रहा है, आपने जो कहीं सामान खरीदा, ठीक है, आपने कहीं ऑनलाइन रजिस्टर किया, तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको कॉन्फिडेंस के साथ ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो एथिकल बिहेवियर ये कहता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है जो आप कॉन्फिडेंस में किसी के साथ शेयर कर रहे हो इन बिजनेस, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो ना, आप अपना कार्ड डिटेल्स दे रहे हो, आप उसको अपना एड्रेस दे रहे हो डिलीवरी के लिए, फोन नंबर दे रहे हो, है ना, सारी चीजें, तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रीट नहीं होगी, तो ये एक एथिकल बिहेवियर नहीं है। ठीक है, आप क्या चाहोगे कि इंटरेस्ट का एथिकल बिहेवियर आपके हिसाब से क्या हुआ, इंटरेस्ट कस्टमर का बेस्ट इंटरेस्ट सर, वो उसे प्रॉपर डिस्क्लोजर्स मिले, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रीट हो। ठीक है, तो अब ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, चैप्टर नंबर 5, छोटा ही चैप्टर था, इंश्योरेंस कस्टमर्स क्या होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6, है ना, उसके वीडियोस में इसके बाद डालूंगा और एमसीक्यूज भी डालूंगा चैप्टर 4 और 5 के। थैंक यू सर, जो जो लोग मेरा चैनल अभी देख रहे हैं और इन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस चैनल को शेयर करें और आपके कमेंट्स का मैं वेट करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।